दोस्तों मंडे ओपनिंग के लिए कोई भी अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है। मंडे को देखिएगा स्टॉक मार्केट के लिए और भी ज़्यादा चिंता की बात है, क्योंकि लगातार दो दिन में यानी कि थर्सडे के दिन भी और फ्राइडे के दिन भी इस तरीके से देखिएगा लुढ़क गया है अमेरिका का बाज़ार कि जैसे उसके नीचे कोई सहारा ही नहीं है। फेड ने अच्छी बातें बोली, फेड देखिएगा रेट कट की बात कर रहा है, सब कुछ बातें हो रही हैं, अच्छी से अच्छी बातें हो रही हैं, बेस्ट से बेस्ट बातें हो रही हैं, बट स्टिल अगर आप देखेंगे तो डोजोन्स के जो नंबर्स आ रहे हैं, अपकमिंग नंबर्स आ रहे हैं अब अमेरिका की इकॉनमी में, वो अच्छे नहीं आ रहे। दो दिन थर्सडे को भी नंबर्स आए दिक्कत हो गई, और फ्राइडे को भी नंबर आए तो दिक्कत हो गई, और दिक्कत छोटी नहीं हुई है। 200 पॉइंट डाउन हो, 300 पॉइंट डाउन हो, डजंट मैटर। यहाँ पे अभी दिखाता हूँ 650 पॉइंट और एक टाइम पे 730 पॉइंट तक भी देखिएगा डोजोन्स यहाँ पे क्या हो गया था, नीचे चला गया था। तो अब सबसे पहले समझते कि मंडे के लिए कौन सी इन्फॉर्मेशन अच्छी नहीं है। तो पहली इन्फॉर्मेशन अच्छी नहीं है कि ग्लोबल मार्केट में भी वैसे ही रिएक्ट करा जैसा इंडियन स्टॉक मार्केट ने फ्राइडे को रिएक्ट किया था। और फ्राइडे को रिएक्शन के बाद अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं डोजोन्स एक कदम आगे रहा, कि मतलब उसने देखा कि इंडिया गिर रहा है तो एक कदम आगे बढ़कर देखिएगा गिरना है, तो एक कदम आगे बढ़कर देखिएगा डाउन हुआ है 700 पॉइंट। ये तब आप सुनते हो जब फेड का कोई स्टेटमेंट आता है। तो क्या कोई फेड का स्टेटमेंट आया तो आंसर होगा नहीं, क्या कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया तो आंसर होगा नहीं, क्या कोई अभी इंसिडेंट हो गया है अमेरिका में ऐसा तो आंसर होगा नहीं, आंसर नहीं है। लेकिन हो क्या गया, एक नॉर्मल डेटा आया और मार्केट ने प्रॉफिट बुकिंग कर ली। और डेटा भी क्या आया, जॉब का, जो हर हफ्ते आता है। ऐसा भी मत सोचिएगा कि ये हर हफ्ते नहीं आता है, हर हफ्ते आता है, मैं हर हफ्ते आपको बताता भी हूँ। लेकिन यहाँ पे जॉब रिपोर्ट में ऐसा क्या हुआ, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी तक आपने सुना है केवल, जस्ट आपने लिसन करा है दिमाग से कि अरे हाँ अमेरिका में मंदी अंदी, अरे हाँ हाँ अमेरिका में मंदी अंदी। लेकिन स्टॉक मार्केट देखिएगा जब ऑल टाइम हाई पे होता है तो वो इन चीज़ों को बहुत देखेगा, गौर करता है। तो वॉस्ट सेशन यानी कि दो साल का सबसे वॉस्ट सेशन था, यानी कि दो साल का रिकॉर्ड टूट गया। अब आप समझिएगा दो साल का, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी मैं आपको जो चीज़ दिखाने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। तो ऑलमोस्ट टू ईयर का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है, वर्स्ट सेशन देखने को मिल रहा है। और जो डेटा आया था वीकर देन एंटिसिपेटेड, जो वीकर मतलब जो सोचते थे उससे भी खराब डेटा आया। और डेटा जब आया तो उसने टेंशन डाल दी सारी इकॉनमी में कि यहाँ पे क्या रिसेशन में जा रही है अमेरिका की इकॉनमी। बस अमेरिका की इकॉनमी अगर रिसेशन में गई तो कोई नहीं बच सकता, क्योंकि चाइना की इकॉनमी ऑलरेडी स्लो डाउन में है और अमेरिका ही एक ऐसा पोटेंशियल कंटेंडर है जो क्रिएट कर सकता है जॉब्स और इकॉनमी में डिमांड। अगर उसकी इकॉनमी देखिएगा नीचे जा रही है तो कोई भी स्टॉक मार्केट, अगर आप देखेंगे बिगेस्ट ड्रॉप आपको देखने को मिल रहा है सिंस 20 दिसंबर 2022। तो आप देख सकते हैं चाहे वो नैसडैक की बात करी जाए, चाहे कोई भी बात करी जाए, आप देख सकते हो ये देखिएगा इस तरीके का ऑल टाइम हाई लगने के बाद अचानक से नीचे चले जाना मार्केट का बहुत ही देखिएगा दुखदाई होता है और इसमें बहुत सारे लोगों का लॉस भी होता है। आगे बढ़ते हुए अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो डेटा आया है, ना तो जॉब का अच्छा आ रहा है, ना एम्प्लॉयमेंट का अच्छा आ रहा है, ना ADP का अच्छा आ रहा है। इस कारण से ये चीज़ें हो रही हैं। ये जो डेटा आ रहा है ये देखिएगा दो साल के निचले स्तर का आ रहा है, तो इस डेटा के कारण, अनएम्प्लॉयमेंट रेट के कारण, ये देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इन सब चीज़ों के कारण यहाँ पे अमेरिका में टेंशन बढ़ती जा रही है। और अगर आप देखेंगे तो सबसे बुरा हाल हुआ बॉन्ड मार्केट का। अब मैं आपको बॉन्ड मार्केट में जो चीज़ दिखाने जा रहा हूँ वो आपने देखी नहीं होगी इस पर्टिकुलर ईयर में या लास्ट ईयर में। तो बॉन्ड मार्केट में ये देखिएगा 10-ईयर बॉन्ड मार्केट 5.5% डाउन है। कितना? 5.5% डाउन है। और US का मार्केट कितना डाउन? 30 तो आपको 4.25% है। और ये टू ईयर का तो अगर आप देखेंगे तो 7% का डाउनफॉल है, 7%। अब आप समझ सकते हो कि ये मंदी के क्लियर इंडिकेशन होते हैं जब बॉन्ड मार्केट इस तरीके से क्रैश होता है। तो आपको पता होगा कि ये चीज आपने अभी तक पिछले दो साल में नहीं देखी होगी जो आपको मैं यहां पे दिखा रहा हूं, कि जस्ट डेटा आया है और डेटा आने के बाद ये सबसे टेंशन वाली चीज है कि जो बॉन्ड मार्केट है वो 7% क्रैश होना, वो तो मतलब आप 3-4 साल में लगातार गिरे तब भी नहीं गिर पाएगा। और ये सिंगल नाइट में हुआ है
और सिंगल नाइट में होने के कारण मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि अपने स्टॉक मार्केट पे मंडे को ओपनिंग पे इसका असर पड़ेगा, क्योंकि फ्राइडे को नाइट में जो हुआ वो एक्सपेक्टेड नहीं था अमेरिका में, तो इसलिए यहाँ पे मंडे को इसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।